अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा डे फर्स्ट था जो हमने सैर ट्रैवल किया। अच्छा, उस दिन बहुत गर्म मौसम था, इवन सवात में भी गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी, और हमने गन्ने का जूस पिया था, बहुत मज़ा आया था। उसके बाद ये सारा हमारे रास्ते का जो हमने ट्रैवल किया, ये हमने खाना खाया था वहाँ पर जिस होटल में हम रुके थे, उसका नाम था हनी मून 789 समथिंग लाइक दिस। एक न्यू हनी मून है और एक हनी मून है। हम हनी मून पर रुके थे और होटल अच्छा होटल था। ये हमारा खाना भी वहीं खाया था और ये हमारे रूम्स थे। इसके चार्जेस डिफरेंट डेज में डिफरेंट होते हैं। ये जो आप हमारा रूम देख रहे हैं, एक डबल बेड, एक सोफ़ा कम बेड और उसके साथ मैट्रेस और दो कंबल थे और ये चेयर्स थे और ये बाहर से भी इसका बहुत अच्छा व्यू था, टीवी भी था, वॉशरूम भी था अटैच। तो इसके चार्जेस हमें बुध वाले दिन 4500 पड़े थे पर नाइट, और उसके नेक्स्ट डे वो आई गेस 5000 हो गए थे या 5500, मुझे भूल गया। यानी इस रूम में तीन से चार बंदे ईजीली रह सकते हैं। और ये इसका सारा व्यू था, ये सारा दरिया गुजर रहा है इसके सामने से। फिर ये हम लोग रात को थोड़ा बाहर गए थे, थोड़ा सा जो वहाँ की माल रोड है उस पर थोड़ी चहलकदमी की थी। इस दिन तो हमने आगे कहीं ट्रैवल नहीं किया क्योंकि ये सब कुछ करते और इन्जॉय करते कि हमें रात हो गई थी, क्योंकि हम रास्ते में रुक रुक के आए थे। फर्स्ट टाइम मैंने इस हैंग ब्रिज के ऊपर हम लोग गए थे, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा था, बहुत मज़ा आया था। और ये हमारे साथ बेबीज भी थे जिनके आप प्रॉम्प्ट्स देख रहे हैं। बस एंड में हम लोगों ने होटल में आके चाय पी थी और फिर हम सो गए थे। ये हमारा चाय का कप था। चाय वहाँ पे अच्छी नहीं मिली हमें कहीं पे भी। खाना अलबत्ता अच्छा था, होटल का ही हमने खाना खाया था। फर्स्ट नाइट जो हमने खाया था, जो अभी आपने देखा था, वो हमने होटल का खाया था और होटल का खाना अच्छा था। चाय वहाँ कहीं पे भी हमें अच्छी नहीं मिली। बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी डे टू में कि हम आगे कहाँ कहाँ गए और हमने क्या क्या इन्जॉय किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।